हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं बताऊँगा पेटीएम में जो आपका मर्चेंट अकाउंट है किस तरीके से आप उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अकाउंट को अपग्रेड करना इस वीडियो में आप सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स मैं यहाँ पर बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर बहुत ही नया इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मिस बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है पेटीएम फॉर बिजनेस। ये जो ऐप है ये सिर्फ मर्चेंट अकाउंट के लिए है, तो ये मर्चेंट अकाउंट के लिए यही ऐप आपको इंस्टॉल करके रख लेना है। इंस्टॉल आपने कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद कुछ कुछ प्रोसेस है सिंपल सा, आप वो भरिए जिसमें पैन कार्ड नंबर होगा। पैन कार्ड नंबर जैसे कि कंपनी का होगा तो कंपनी का डालिए, आपका सोल प्रोपराइटर होगा तो आपका डालिए। मैंने इसका एक डिटेल्स भी बना के रख दिया है, लेकिन वहाँ पे अकाउंट को मैंने अपग्रेड करना नहीं बताया हूँ। तो सिंपल से आप डिटेल्स भरिए, डिटेल्स भरेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएंगे। जैसे आप डिटेल्स भर देंगे तो देखिए आपका जो यहाँ पे एक लिमिट आ जाएगा, जिसमें अभी जो आपका जो नॉर्मल लिमिट मिलता है वो 20,000 का मिलता है, जो कि एक मंथ का होगा। 20,000 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक मंथ में, और एक दिन का लिमिट 10,000 होता है। तो यहाँ पे एक दिन में 10,000 और एक मंथ में 20,000 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये इसका लिमिट है। तो दोस्तों जैसे कि आप जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद जो आपको जो मिलता है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद पेमेंट ऑप्शन में मैं यहाँ पर गया हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिमिट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी चार्जेस आपका नहीं लगेगा आप अपने मर्चेंट अकाउंट में पैसा लेते हैं तो। यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड से अगर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 1.9% का जीएसटी लगेगा, मतलब कोई क्रेडिट कार्ड से ऐड करके आपके में डाला तो वहाँ पर आपका लग सकता है। बाकी डिटेल्स आपके सामने हैं, यहाँ पे चार्जेस तो नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए 20,000 का मंथली लिमिट और 10,000 का डेली लिमिट है। तो यहाँ पे अकाउंट को अपग्रेड करना, देखिए यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है व्यू अपग्रेड रिक्वेस्ट स्टेटस, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर जो होम बटन आएगा देखिए वहाँ पे येलो कलर का आ गया व्यू अपग्रेड रिक्वेस्ट स्टेटस। तो देखिए ये है, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ कर सकते हैं, क्यू आर कोड बोलते हैं लोग कि क्यू आर कोड भी मेरे पास नहीं आता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि क्यू आर कोड, एक फिजिकली क्यू आर कोड चाहिए, तो क्या करना है देखिए, ऑल इन वन एक्सेसरीज जो है यहाँ पर जाना है। देखिए यहाँ पर सब कुछ आप अपने तरफ से कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है आपका एजेंट का, तो यहाँ पे आपको थोड़े पैसे यहाँ पे खर्च किस में पड़ेंगे, आपका जो भी, जैसे कि देख सकते हैं ये क्यूआर कोड के लिए, तो क्यूआर कोड आपको यहाँ पे मंगवाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए स्टैंडी क्यूआर कोड आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टैंडी। तो यहाँ पे देखिए 69 रुपीज़ यहाँ पे इसका दाम है, देखिए यहाँ पे 69, याद रखिए यहाँ पे स्टैंडी सेट होना चाहिए। इसको आप बाई करेंगे और यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा जो एड्रेस पे मंगाना है, तो एड्रेस पे मंगाएंगे तो ये आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगा बिना किसी परेशानी के। जब पहुँच जाएगा आप वहाँ से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर पैसे थोड़े खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एजेंट के थ्रू नहीं करें, सब कुछ अपने से करें। एजेंट से करेंगे तो हाँ पैसा नहीं लगेगा वहाँ पर उस चीज़ का, एटलीस्ट ये एक्सेसरीज का। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कैसे हम अपग्रेड करें और अपने लिमिट को बढ़ाएं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स है जो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे देखिए आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका उपाय ये है कि आपको एक एनओसी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा पेटीएम के नाम से कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि आप जो जीएसटी का जो एग्जम्पशन है उससे बाहर है, मतलब कि जो उसका थ्रेशोल्ड है 20 लाख, उससे आपका कम है तो आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। तो वैसा कुछ एक लिख कर यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा साइन सिग्नेचर के साथ में, तो उसका मैं यहाँ पे डाल दूँगा किस तरीके से आपको वो डिटेल्स यहाँ पे देनी है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मैंने फॉर्मेट दे दिया है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसको पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए जीएसटी प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों फ़ोटो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, वो हो गया। उसके बाद देखिए आपका शॉप, आपका शॉप का फ़ोटो होगा जहाँ पर वहाँ पर जो होल्डिंग, जैसे नाम होता है शॉप का, वहाँ पर शॉप में आपका नाम वहाँ पर दिखाना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें लगेगी, इसके साथ पैन कार्ड का जो है फ़ोटो वो भी यहाँ पे लगेगा। तो चलिए यहाँ पे हम जाते हैं व्यू अपग्रेड रिक्वेस्ट स्टेटस में, देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐसा डिटेल्स, तो यहाँ पे देखिए हम जाएंगे व्यू अपग्रेड रिक्वेस्ट स्टेटस में, यहाँ पे देखिए
बिजनेस इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करने में स्किप कर दिया है, तो बस आपको बिजनेस एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। जो भी एड्रेस है सिंपल सा, एड्रेस क्या है, नाम क्या है शॉप का, वो सब यहाँ पे डालना। आपका क्या नाम है, प्रोप्राइटर है कि क्या है, वैसा कुछ होगा, पार्टनरशिप में है या प्राइवेट लिमिटेड में है, वैसा कुछ तो वो आप डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखिए शॉप इस्टेब्लिशमेंट फ़ोटो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉप का एक फ़ोटो होना चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये इसका सैम्पल फ़ोटो है, देखिए शॉप है, शॉप में यहाँ पे होल्डिंग में आपका यहाँ पे शॉप का नाम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम अपलोड में जाते हैं। अपलोड में जाने के बाद यहाँ पे शॉप का फोटो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए शॉप का फोटो डाल दिया, वहाँ पे नाम भी होना चाहिए। याद रखिए 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी प्रूफ, यहाँ पे देखिए एक यूटिलिटी बिल लगेगा। जी हाँ, यूटिलिटी बिल मैं आपको पहले बताना भूल गया था, एक यूटिलिटी बिल लगेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल उस एड्रेस पर आता है। याद रखिए उस पे आपका एड्रेस होना मेंशन है, जो भी आपने यहाँ पे एड्रेस दिया है। तो यहाँ पे एड्रेस सबसे पहले तो अच्छे से भरे, क्योंकि यूटिलिटी बिल में एड्रेस होना जरूरी है। तो चलिए यूटिलिटी बिल में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपलोड में मैं यहाँ पे जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए जहाँ पर भी आपने यूटिलिटी बिल डाला है उसको यहाँ पे सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद देखिए अब यहाँ पर एक पूछ रहा है GST प्रूफ, आपके पास GST है या नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया वी डोंट हैव GST। तो देखिए GST नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये पाउस कर ले, यही है, इसी के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिख कर मतलब कि एक काम कीजिए कि वर्ड में आप लिख दीजिए इसको। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से जो निशान है वहाँ बस आपको चेंजेस करना है। यहाँ पे बिजनेस नेम, यहाँ पे देखिए बीच में जो है बिजनेस नेम आपको देना होगा, जो भी आपका शॉप का नाम होगा। सबसे ऊपर में देखिए लेटर हेड है, वो आपका शॉप का वहाँ पर वो भी नाम होगा, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में एड्रेस के साथ में, या फिर लोगो होगा तो लोगो भी डाल दे। फिर नीचे में देखिए ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पे आपका क्या नाम है वो आपका लगेगा। उसके बाद देखिए बिजनेस नेम यहाँ पे डाल दे, जो भी आपका शॉप है। नीचे में डेट डाल दीजिए, ये है, यही डिटेल्स, मतलब कि सोच लीजिए कि आपको क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे लिख कर उसको आप वहाँ पे डायरेक्टली PDF में कन्वर्ट करके वहाँ पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए हम आते हैं बैक में, बैक में आने के बाद हम इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के लिए देखिए जो भी है GST लेटर हमने यहाँ पे बना के ऑलरेडी रखा है, तो चलिए हम यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी में आपका अपना एड्रेस लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आधार कार्ड का दोनों साइड का फ़ोटो लगेगा, फ्रंट एंड बैक। तो चलिए अपलोड में हम चले जाते हैं। अपलोड में जाने के बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चल डाल देते हैं फ्रंट का। फ्रंट का डालने के बाद हम चलिए फिर हम डाल देते हैं इसका बैक का। फ्रंट बैक दोनों हमने डाल दिया है। उसके बाद देखिए पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड का फ़ोटो होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो चलिए हम भी यहाँ पर पैन कार्ड का फ़ोटो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो देखिए हमने पैन कार्ड का फ़ोटो भी हमने यहाँ पे डाल दिया, देखिए सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। अब आपको यहाँ करना है कंटिन्यू, कंटिन्यू पे करेंगे, ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है आपका। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट स्टेटस जो है ये अभी पेंडिंग आ रहा है, जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है यहाँ पे देखिए ये वेरिफिकेशन पेंडिंग है। फॉलोइंग योर लिंक पॉलिसी मैंडेटरी टू बी अपडेटेड ऑन योर वेबसाइट मोबाइल स्पीड अप, यहाँ पे देखिए और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ तो ये सारे चीज़ें आपका मतलब कि अभी देखिए थैंक यू का आ गया है, अकाउंट अपग्रेड एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे योर अकाउंट अपग्रेड में टेक्स अप टू 5 डेज, 5 दिन आपका लग सकता है अकाउंट अपग्रेड होने में। जब अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा तो आप बहुत आपके लिए आसानी होगा कि जो भी 20,000 का जो लिमिट है वो आपका बढ़ जाएगा यहाँ से, तो ये फ़ायदा है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जो जो चीज़ मैंने आपको बताया है वो सारे चीज़ों को आप कर दीजिए, डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई बिल्कुल बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी दोस्तों अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।